फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रद्धा। आपका मेरे किचन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक बार नई रेसिपी लेके आज हम बनाने वाले सेवई, मीठी सेवई बनाएंगे, जो कि झटपट से ये बन जाते हैं और बहुत लोग बहुत डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, बट मैं एकदम इजी तरीके से बताऊँगी ये बनाना। झटपट से ये बन भी जाएगा, आपके घर पे रखे हुए सारे सामान से ये बन जाएगा। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि हमें इसके लिए सेवई बनाने के लिए दूध भी हमें बहुत गाढ़ा चाहिए, तो नहीं। जो आपके घर पे नॉर्मल दूध आता है, आप उससे भी बहुत ही इजी तरीके से ये बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ज़्यादातर तो सेवई फेस्टिवल में बनाए जाते हैं। अगर आपको नॉर्मल में भी इस तरह से कुछ डेजर्ट खाने का मन है, तो आप इस तरह से सेवई बना के खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, इनफैक्ट ये बच्चों को भी बहुत ही पसंद आते हैं, तो उनको भी आप इस तरह से बना के दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बनाना स्टार्ट करेंगे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। सेवई बनाना स्टार्ट करते हैं। ये आप देखिए, मैंने हाफ कप ये सेवई ले ली है। ये मैंने बैम्बिनो की रोस्टेड वाली सेवई ली है। आप चाहे तो वो पतली वाली सेवई आती है, आप वो भी ले सकते हैं। तो आज मैं इससे बनाऊंगी। तो अब हम इसको रोस्ट करेंगे। तो अभी ये हम पैन चढ़ा लिए और इसी में मैं डालूंगी इस तरह से एक चम्मच ये घी ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से घी डाल दिया और घी को भी हम गर्म होने देते हैं। तो ये देखिए, घी भी गर्म हो गया। अब इसमें इस तरह से हम ये सेवई डाल के इसको हम अच्छे से इस तरह से रोस्ट कर लेते हैं। सिर्फ 3 से 4 मिनट तक अच्छे से इसको हम रोस्ट करेंगे। ये ऑलरेडी रोस्टेड वाले सेवई हैं, पर इसको इस तरह से हम घी में रोस्ट करेंगे तो इसका टेस्ट और बढ़िया आएगा। तो इसी तरह से हम इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे। तो ये देखिए, सेवई भी अच्छे से इस तरह से रोस्ट हो गई। आप देख सकते हैं तो कलर भी बढ़िया सा आ गया है। अब मैं इसको हटा ले रही हूँ गैस से। अब हम देखिए, ये 1 लीटर हमने मिल्क ले लिए। ये मिल्क को मैंने पहले से उबाल के रखे थे। ये हमारे घर पे जो नॉर्मल मिल्क आता है ना, वही हम लिए हैं। आप चाहे तो फुल क्रीम वाला मिल्क लेंगे तो इससे बहुत बढ़िया इस तरह से खीर बनेगा। पर मैं इसमें एक सीक्रेट चीज़ ऐड करूँगी इसको गाढ़ा करने के लिए। मैंने 1 लीटर मिल्क ले लिए। ये हमारे घर पे जो नॉर्मल मिल्क आते हैं ना, काऊ मिल्क, मैं बस वही ली हूँ। आप इसकी जगह में फुल क्रीम वाला मिल्क लेंगे तो और बढ़िया इस तरह से सेवई बनकर तैयार होगी। बट मैं इसमें और एक सीक्रेट चीज़ ऐड करूँगी, एकदम ये गाढ़ी खीर हमारी तैयार होगी। तो अभी हम इसमें एक बॉयल डालने देते हैं। तो इस तरह से देखिए, ये मैं थोड़े से इसमें से दूध निकाल ली हूँ। 2 टेबलस्पून मिल्क निकाल ली हम इसमें से। मैं डालूँगी इस तरह से ये 2 चम्मच मिल्क पाउडर। तो हम इसमें 2 चम्मच ये मिल्क पाउडर डाल देंगे और इसको अच्छे से हम गाढ़ा करेंगे। तो इस तरह से ये मैं 2 चम्मच डाल के अच्छे से इस तरह से हम मिक्स कर ले रहे हैं। तो इस तरह से हम ये मिल्क पाउडर इसमें डालेंगे तो इस तरह से इसमें टेक्सचर भी बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा। तो हम इस तरह से ये मिला ले रहे हैं। और आपको ध्यान रखना है कि हमें इसको गर्म दूध में नहीं मिक्स करना है। जो हमने जब गैस में चढ़ाए थे और वो जो हम दूध लिए थे वो रूम टेम्परेचर में था। तो इस तरह से देखिए, आप या तो ठंडे दूध में भी इसको मिक्स कर सकते हैं। तो बस इस तरह से हम ये मिक्स कर लिए हैं। तो ये देखिए, इस तरह से दूध में इस तरह से उबाल भी आ गया है। और अभी इसी स्टेज में जो हमने इस तरह से मिल्क पाउडर और मिल्क का इस तरह से घोल तैयार किए थे, इसको भी हम डाल के इसी में ही इस तरह से ये मिक्स कर दे रहे हैं। और 1 मिनट तक इसको भी हम बॉयल डालने देंगे, फिर हम इसमें डालेंगे जो हमने रोस्ट करके सेवई रखी थी उसको डालेंगे। तो ये देखिए, इसमें भी इस तरह से बॉयल्ड आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये जो हमने इस तरह से सेवई को रोस्ट करके रखे थे, तो इस तरह से हम इसको डालेंगे। तो हम इस तरह से थोड़ा सा दूध को इस तरह से पका लेंगे, उबाल लेंगे, तब हम इसमें ऐड करेंगे। तो बस इस तरह से हमें डाल के इसको भी मिला ले रहे हैं। और बस इसको इस तरह से हम इसको इस तरह से चला लेंगे और हम इसको अच्छे से पकने देंगे। 5 से 6 मिनट तक हम इसको अच्छे से पकने देंगे तो ये सेवई भी अच्छे से पक जाएगी इसमें। तो ये देखिए, इस तरह से 3 से 4 मिनट हो गए। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से इस तरह से, आप ये देखिए, हमारी ये सेवई भी इस तरह से पक गई है। अभी इसे मुझे और पकाना है, तो अभी मैं इसी में ऐड करूँगी 1/4 कप ये शुगर है। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मैं चम्मच के हिसाब से बताऊँ तो 5 चम्मच है, और टेबल स्पून के हिसाब से 3 टेबल स्पून ये शुगर है। तो बस इस तरह से शुगर डाल के भी हम इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। तो अभी पहले शुगर को अच्छे से डिसॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं इसमें और चीज़ें ऐड करूँगी। तो इसमें देखिए, इस तरह से शुगर भी धीरे धीरे आप देखिए डिसॉल्व हो रहा है। तो अब मैं इसी स्टेज में इसमें 1 चम्मच ये काजू,
एक चम्मच बादाम, एक चम्मच हम ये किशमिश इस तरह से ये डाल देते हैं और इसको भी हम मिक्स करेंगे। और इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी ये एक चम्मच ये चिरौंजी है, तो अभी इसी स्टेज में चिरौंजी भी डाल देते हैं हम। और हम इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर ले रहे हैं। अब मैं इसमें डालूंगी हाफ टी स्पून ये इलायची के पाउडर। आप चाहे तो इस तरह से इलायची को, दो से तीन इलायची को ले लीजिए और कूट लीजिए, तब डालिए। मेरे पास इस तरह से पाउडर है तो मैं पाउडर डाल रही हूँ, तो बस इसको भी हम इस तरह से दो तीन मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। तो ये आप देखिए, ये हमारी खीर कितने बढ़िया से, देखिए सेवैयाँ इस तरह से बनकर तैयार हो गई है। मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इसको हल्का सा ठंडा होने देती हूँ, फिर हम इसको सर्विंग बोल में सर्व करेंगे। अब हम इस तरह का एक बोल ले लिए और इसमें हम ये सेवई डालेंगे। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया बना, आप देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, और खाने में उतना ही टेस्टी है, बनाना उतना ही इजी, झटपट से ये फ्रेंड्स बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरह से हम इसको निकाल ले रहे हैं। तो अभी देखिए ये परफेक्ट लग रहा है, अगर हम इसको और ठंडा कर देंगे, फ्रिज में रख देंगे तो और ये गाढ़ा हो जाएगा। तो बस इसी स्टेज में ही हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना था और इसको हम सर्व कर लेते। आप चाहे तो गरम गरम खाइए या तो आप ठंडा करके भी इसको खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। अब मैं इसमें थोड़े से इस तरह से थोड़े से ये ड्राई फ्रूट को मैं रखी थी गार्निशिंग के लिए, तो इस तरह से हम ये थोड़े थोड़े डाल के इसको गार्निश कर ले रहे हैं। तो ये देखिए, ये हमारा टेस्टी टेस्टी सेवई बनकर तैयार हो गए। देखिए देखने में कितना बढ़िया लग रहा है और खाने में उतना ही टेस्टी, झटपट से ये बन भी जाता है फ्रेंड्स। तो आपको मेरा अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा। एक बार मैं आपके लिए फिर से नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ। बाय बाय।